नमस्कार दोस्तों, टेक आसान टीवी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अनुभव। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से Xiaomi Mi Band 2 को अपने स्मार्टफोन से पेयर कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली स्मार्टफोन पर देख सकते हैं और साथ ही साथ अपने Mi Band को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए Xiaomi ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, जिसका कि नाम है Mi Fit ऐप। उसके थ्रू आप इसको कंट्रोल, कस्टमाइज और ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, अपना प्ले स्टोर ओपन करिए और वहां सर्च बार में Mi Fit डालिए और जैसे ही आप Mi Fit टाइप करेंगे टॉप रिजल्ट्स में आपको Mi Fit ऐप दिख जाएगी। उसको ओपन करिए और उस ऐप को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप को ओपन करिएगा। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो एक एग्रीमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको उसको एग्री करना है और एग्री करने के बाद जो मेन विंडो होगी उसमें आपको साइन इन पर टैप करना है। अगर आप Xiaomi डिवाइस यूज़ करते हैं तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है वो। जैसे ही नेक्स्ट विंडो में आपको ऑथराइजेशन मांगेगा अपने आपके मी अकाउंट का, आपको वहाँ पर उसको ऑथराइजेशन दे देना है। अगर आप एक नॉन Xiaomi यूज़र हैं या फिर आपके पास कोई भी मी अकाउंट नहीं है तो स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे टैप कर सकते हैं या उस लिंक को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे जाके अपना एक मी अकाउंट बना सकते हैं और फिर आप इस एप्लीकेशन पे डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। साइन अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप उसको वेट करिएगा। जैसे ही साइन अप हो जाएगा तो एक टिक का निशान आएगा और कन्फर्मेशन आ जाएगा। साइन इन होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसमें आपको एक डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन कि आपका Mi Band क्या क्या कर सकता है। आपको बस गॉट इट करना है और उसके बाद आप मेन ऐप में चले जाएंगे। मेन ऐप में आपको ओपन करने से पहले एक परमिशन का ऑप्शन आएगा जहाँ पे जो मार्शमेलो बेस्ड परमिशन है आपको सबको अलाउ करना है, जिससे कि आपका Mi Fit ऐप अच्छे से काम करे। और फिर आपको अपना फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, जिसका नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन खुद दे देगा, क्योंकि बिना ब्लूटूथ के आप अपने Mi Band को कनेक्ट नहीं कर सकते अपने फ़ोन से। ये एक मैंडेटरी पार्ट है। अब आप देखिएगा नीचे एक तीन ऑप्शंस होंगे, तीन ऑप्शंस में स्टेटस, प्ले और प्रोफाइल जो आपके बॉटम बार में, आपको उस पर प्रोफाइल पे क्लिक करना है और जो प्रोफाइल है उसमें आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड डिवाइस में अब आपके तीन ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस में आपको सबसे पहला ऑप्शन होगा Mi Band, दूसरा है आपका Mi Scale और तीसरा है स्मार्ट टूथ। आपको Mi Band पर टैप करना है और यहाँ आपकी पेयरिंग मोड में चालू हो जाएगा। आपको अपना Mi Band अपने फ़ोन के पास रखना है। पेयरिंग होने में टाइम लग सकता है, मिनिमम 1 मिनट लग सकता है, तो आप वेट करिएगा और जब तक आपका कनेक्ट नहीं हो जाता या आपका Mi Band वाइब्रेशन मोड में नहीं आता तब तक आप इसको अपने फ़ोन के पास ही रखिएगा। जैसे ही पेयरिंग का ऑप्शन आता है तो आपका Mi Band वाइब्रेट करने लगता है और उसकी स्क्रीन पे एक टैपिंग का निशान आता है जो कि आपको डायरेक्ट करता है कि आप कैपेसिटिव बटन को टैप करिए। और जैसे ही आप कैपेसिटिव बटन को टैप करते हैं आपका Mi Band आपके फ़ोन एप्लीकेशन से पेयर हो जाता है। और जैसे ही आपका Mi Band आपकी डिवाइस से सक्सेसफुली पेयर होता है उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो आती है उसमें आपको आपके Mi Band का रिमेनिंग बैटरी कैपेसिटी बताता है और साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है कि आपके Mi Band को चार्ज किए हुए कितना टाइम हो गया। इसके साथ कई और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं जैसे कि फाइंड बैंड। इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपका Mi Band वाइब्रेट करेगा। ये तब यूज़फुल होता है जब आप अपना Mi Band कहीं रख के भूल जाते हैं तो वाइब्रेशन से आप पता कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है Mi Band लोकेशन। इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आप अपने किस हैंड में Mi Band को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसके ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तीसरे में आप अपनी जो आपके Mi Band 2 की डिस्प्ले है उस पर आप क्या क्या ऑप्शन डिस्प्ले कराना चाहते हैं। टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, उसके साथ आप कई सारे ऑप्शंस ऐड करा सकते हैं जैसे कि स्टेप, डिस्टेंस, कैलोरीज, हार्ट रेट और रिमेनिंग बैटरी। यहाँ मैं रिमेनिंग बैटरी को ऑन करता हूँ तो जैसे ही मैं कैपेसिटी बटन को 4 बार प्रेस करूँगा तो वो मेरे को टाइम रिमेनिंग जो टाइम है वो बता देगा। इससे मेरे को बार बार एप्लीकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और ऑप्शन है जिसमें आप अपना जो Mi Band है उसको ऊपर करते हैं और अपने टाइम को देख सकते हैं। आपको बार बार कैपेसिटी बटन को टैप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए मैंने ऑन किया और जैसे ही मैं लिफ्ट करता हूँ अपने Mi Band को वो टाइम को शो कर देता है। उसके साथ हार्ट रेट स्लीप असिस्टेंट भी है जो कि ज़्यादा ऐसा यूज़फुल नहीं है, अगर आप हार्ट रेट से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ इसमें फर्मवेयर वर्जन शो करता है जो कि अपडेट होता रहता है Mi Band के और Mi Fit ऐप के अपडेट के साथ। जब हम बैक जाते हैं स्क्रीन से तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपना एक्टिविटी गोल सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें स्टेप्स ट्रैकिंग करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि मैं दिन भर में 5000 स्टेप्स को कवर करूं, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी गोल पे क्लिक करेंगे
और जैसे ही आप एक्टिविटी गोल पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं, अपने कंसिस्टेंट स्टेप्स को, कि आप डेली उन स्टेप्स को अचीव करेंगे तो वो आपका जो मी बैंड है उस टाइम वाइब्रेट कर जाएगा। वेट गोल इतना यूज़फुल नहीं होता है, उसके साथ आप एक्टिविटी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं जो कि आपकी नोटिफिकेशन बेल में दिखाएगा। उसके बाद हम जब प्ले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको चार ऑप्शन मिलते हैं जिसमें इनकमिंग कॉल को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसी कोई कॉल आएगी आपका मी बैंड वाइब्रेट करेगा। उसके साथ आप अलार्म्स को, ऐप नोटिफिकेशन को और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर आप आइडल बैठे हुए हैं तो आपका मी बैंड वाइब्रेट कर देगा। एक और ऑप्शन है जो कि आपको एज अ ब्लूटूथ डिवाइस इसके साथ मिलता है कि आप अपने मी बैंड के थ्रू अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, आपको बार बार सिक्योरिटी कॉड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपने जो मी बैंड का डेटा है उससे उसको आप गूगल फिट से ऑन कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी मी फिट ऐप ही बहुत परफेक्ट है। इसके साथ जो आपकी मेन स्क्रीन है जब भी आप ओपन करेंगे अपना फ़ोन तो ये दिखती है, जो कि सिंगिंग के काम आती है और आपकी स्टेप कैलरी काउंट को शो करती है। तो अभी हमने नया नया डिवाइस पेयर किया तो यहाँ पे ज़ीरो शो कर रहा है, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं शो कर रहा है। उसके नीचे आप जाएंगे तो वहाँ आपको स्लीप डेटा शो करेगा, जो आप रात का आप सोते हैं और वो डेटा आपको शो करेगा, और उसके नीचे आप हार्ट रेट सेंसर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने हार्ट रेट सेंसर को यहीं से एक्टिवेट भी कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है और आपके मी बैंड के ये मेन मेन फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल टेकासान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।